हेलो गाइस, मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं आज आपको ये बनाने वाला हूँ। देखिए, सो आपने देखा, ये मैं एक जो है बेसिक सा एनिमेशन है, मैं आफ्टर इफेक्ट में ये आपको करके दिखाऊंगा बिना किसी जो एक्स्ट्रा जो तो आपके जो इफेक्ट टूल्स होते हैं, बिना किसी उसके सिंपल जो अपने इफेक्ट होते हैं वो मैं यूज़ करूँगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए हमने एक डिज़ाइन बनाया है फोटोशॉप में, ये देखिए, जिसमें जिसमें हमने सारी लेयर्स अलग अलग कर दी हैं। ये हमारा एक ट्री है, राइट साइड ये है, ये हमारा एक सन है, ये टेक्स्ट है, ये लड़की है, और ये उसके मशाल का जो इफेक्ट है, ग्लो इफेक्ट है, ये लगे, बैकग्राउंड लगे, सारी चीज़ें हमने अलग रख दी, सबके हमने नाम रख दिए। तो इसको हमने सेव कर दिया और डायरेक्ट जो है इसकी PSD हम आफ्टर इफेक्ट में ओपन करें। तो आफ्टर इफेक्ट में आते हैं हम, सबसे पहले हम सारे अपने जो है, ये मैं क्लोज कर देता हूँ जो भी मेरा प्रोजेक्ट है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, न्यू कंपोजिशन में लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एनिमेटेड बैनर्स 01। उसके बाद मैं कस्टम साइज लेता हूँ यहाँ पर 1080 का, 30 फ्रेम रेट से, और यहाँ पे इसे एंटर कर देते हैं फिलहाल। तो ये हमारा आ गया। उसके बाद हम जाते हैं, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर डबल क्लिक करते हैं तो हमारा सीधा सोर्स पे जाता है कि आपको अगर वहाँ से सोर्स में कुछ लेना हो। तो जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे डिज़ाइन में आता हूँ, डिज़ाइन ये मेरी PSG है, इसको मुझे चाहना पूरी की पूरी PSG उड़ा। यहाँ पर आप ध्यान दें कि आपका एडिटेबल लेयर स्टाइल होना चाहिए और कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज होना चाहिए। इसे ओके कर दीजिए, ये आपका आ गया। इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ये आपका एक विंडो आ जाएगा, पूरी की पूरी जो लेयर थी आपकी। अभी दोबारा से सेव करने के लिए बोल रहा है, मैं लिख देता हूँ एनिमेटेड बैनर, और मैंने सेव कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, जिस तरह से हमने PSD में लिया था सेम वही चीज़ें सारी की सारी लेयर वाइज इसमें आ गई। बैकग्राउंड है ये रहा, ये आपका BG सन ग्लो, ये सारी चीज़ें हम फिलहाल के लिए ऑफ कर देते हैं क्योंकि हम वन बाय वन एनिमेशन करेंगे। सबसे पहले हम चाहिए बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड ऐसा क्या रहेगा। उसके बाद सबसे पहले हम सन को करेंगे, जो हमारा सन है इसको हम सबसे पहले ऊपर से नीचे, हम चाहेंगे कि ऊपर से नीचे है और थोड़ा सा छोटे से बड़ा हो, ये इस तरीके। तो सबसे पहले ये जो एरो दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करिए, ट्रांसफॉर्मेशन पर क्लिक करिए। मुझे करना है स्केल चाहिए मुझे, और इसका पोजीशन भी चाहिए, दोनों को आप इसको हाईलाइट कर दीजिए। और एक सेकंड पे हम जाएंगे, दोबारा से इनको करेंगे, उसके बाद वापस जाएंगे, इन दो लेयर्स के पॉइंट पे रखेंगे पोजीशन। पोजीशन मुझे चाहिए इसका, अब मैं इसका पोजीशन ऊपर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे जाइए, दो बने एक्स और वाई पोजीशन, तो मैं यहाँ से इसको समझिए नेक्स्ट वाला जो है इस पर जाएंगे और इसको कर देंगे ऊपर टॉप, ताकि हमारे फ्रेम से बाहर निकल जाए। उसके बाद स्केल में हम क्या करेंगे, शुरुआत में मुझे चाहिए ये 0, यानी कि मुझे बिल्कुल ही वो चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे बढ़ाओ कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने 100% था, तो ये 100% हो गया। तो जैसे ही हम इसको प्ले करेंगे तो ये नीचे आएगा, और इस तरीके से जैसे लगेगा जैसे सूर्य जो है निकल रहा है इस तरीके से, ये देखिए। और इन चारों लेयर को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, सो दैट ये इजी यूज़ हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा एनिमेशन करना है तो ग्राफ एडिटर में जाके आप इनकी पॉइंट्स को थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर सकते हैं, जिससे ये आपका एनिमेशन अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने फ़िलहाल इसका F9 ही कर दिया है, जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। तो हम इसका आज हम बेसिक से यूज़ करते हैं। तो मैं जानता हूँ कि आप लोग ये पहले सीख रहे एनिमेटेड बैनर बनता गया। तो पहला हमारा काम हो गया, सन हमारा आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चाहिए ये वाला ट्री, राइट ट्री मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट से होता हुआ लेफ्ट राइट से होता हुआ अंदर की तरफ आए लेयर्स के अंदर। तो सेम वही, इसके एरो पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, पोजीशन पे क्लिक करेंगे, विद इन एक सेकेंड जाएंगे, दोबारा इसके पोजीशन पे क्लिक करेंगे, वापस आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, और इसको बाहर कर देंगे। उसके बाद देखिए किस तरीके से आएगा,
ये कुछ इस तरह से आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये सन के बाद आए थोड़ी देर के बाद, तो इनके दो पॉइंट को उठा के मैं थोड़ा सा इधर करूँगा। सन के बाद है तो एक सेकंड पे सन आ रहा था, सन यहाँ पे आएगा तो उसके बाद ही आएगा, पहले आएगा सन, तो ये राइट ट्री, इसके बाद हम लेफ्ट ट्री जाएंगे, तो इसको भी फिर उसके बाद लेफ्ट ट्री को, हमारा लेफ्ट ट्री यहाँ पे है, इस पर सिलेक्ट करेंगे, एरो पे जाएंगे, ट्रांसमिशन में जाएंगे, सेम वही पोजीशन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे विदिन सेकेंड के अंदर, एक बार और क्लिक करेंगे, वापस आएंगे, जो यहाँ पे पॉइंट है हमारा इसको हम पीछे कर देंगे। चाहे तो आप लेफ़्ट और राइट एरो से भी कर सकते हो, तो कीबोर्ड में लेफ्ट और राइट एरो ये भी आपके वही करेंगे। मैं इसको यहाँ से पीछे कर देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, पहले सन आया, राइट ट्री, लेफ्ट ट्री, अब मैं चाहता हूँ कि जिन दोनों को सिलेक्ट करिए या फ्रेंड प्रेस कर दीजिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नीचे वाला जो ट्री था, बॉटम ट्री, वो आए, तो उसको आने के लिए देखिए क्या तरीका है, क्लिक करिए, यहाँ पे हमारा ये आ गया था, फोर सेकेंड पे यहाँ पे आते हैं, हमें स्केल चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो इसका जो पॉइंटर है, जो मिडिल आइन, जो भी पॉइंटर मिले ना मैंने, तो आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे पैन बिहाइंड टूल पे, एंकर पॉइंट्स के अंदर वाई प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करके कर सकते हैं। तो जो ये पॉइंट है, मैं चाहता हूँ कि पेड़ के जो नीचे यहाँ से आएंगे, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। इसका ये फ़ायदा होता है, मैं बताता हूँ आपको, पहले स्केल कर देते हैं, फिर इसके बाद विदिन सेकेंड जाते हैं, फिर दोबारा क्लिक कर देते हैं, वापस आते हैं, इसको कर देते हैं ज़ीरो स्केल पे। तो ये क्या होगा कि अभी देखिए ये वहीं से छूटता हुआ आएगा, कुछ और भी है, दोबारा से करते हैं, स्केल लिया, यहाँ पे कर दिया हमने ज़ीरो, उसके बाद विदिन सेकेंड आया, हमने यहाँ पे कर दिया, ओके, यहाँ पे दो पॉइंटर आ गए, ठीक है सर। पहले हमने ज़ीरो ले लिया, यहाँ पे ज़ीरो कर दिया इसको, यहाँ पे देखिए स्केल हमने ख़त्म कर दिया इसका, उसके बाद यहाँ से 100% कर देते हैं इसको, 100%। तो अभी किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो उसका पॉइंट है वो बिल्कुल उसके पेड़ के तने के बिल्कुल जड़ों पे रखा था, इसीलिए वहीं से उठता हुआ स्टार्ट हो रहा है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे या फ्रेंड प्रेस कर देंगे तो ये स्मूथ होगा। उसके बाद हमें लड़की को करना है, तो वुमन, ये हमारी वुमन के साथ भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, इसका जो एंकर पॉइंट है इस पर क्लिक करेंगे पैन बिहाइंड टूल पर, इसके पॉइंट करेंगे और इसके इस तरफ कर देंगे, ताकि इसका जो पैर जो है इस तरफ बिल्कुल कॉर्नर से आइए देखिए आप, तो यहाँ जाएंगे स्केल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, स्केल को कर देंगे 0%, एक सेकंड पे जाएंगे 100%। तो अब देखिए किस तरीके से ये यहीं से उसी लड़की ऊपर की तरफ आएगी, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, अपन प्रेस कर देंगे, उसके बाद हमारे ग्लो इफेक्ट है जो इसके मशाल पे लगा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ग्लो को ठीक जब ये लड़की बड़ी हो रही है कंप्लीट यहाँ तक आती है, उसके बाद हम इस लेयर को स्टार्ट करेंगे यहीं से, उसके बाद यहाँ जाएंगे, इसमें भी सेम ऐसे हम करेंगे, स्केल करेंगे, अब हमें पैन बिहाइंड टूल की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें मिडिल लाइन से ही उसको बड़ा और छोटा करना है, तो पैन बिहाइंड टूल करते हैं, सबसे पहले इसको कर देते हैं हम 70%, थोड़ा सा आते हैं आधे सेकेंड से भी कम में 100%, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और आधा सेकेंड आते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इसको 130%, उसके बाद दोबारा आते हैं 100%, फिर दोबारा आते हैं 80%। तो ये देखिए किस तरीके से हो रहा है, मैं दिखाना चाहता हूँ तो ये थोड़ा ब्लिंक करेगा, इसीलिए मैंने इसे ऐसे करा। तो आप इन सबको सेलेक्ट करिए, फ्रेंड प्रेस करिए, ब्लिंक करो, अब इनको आप सबको सेलेक्ट कॉपी करना है, इनको सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए, इतनी दूर पाइए, सेम इनको पेस्ट कर दीजिए, 12 सेकेंड, हम 12 सेकेंड बनाएंगे, अभी देखिए किस तरीके से होगा,
ब्लिंक किया रेगुलर होता रहे तो उसको शांति कैसे लगेगा जल रहा है। अब हमारा टेक्स्ट बच गया है जो हमने लिखा था बीच पार्टी वाला, उसको भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे, छोटे से बड़ा होते हुए थोड़ा सा ब्लिंक करें। तो हम सबसे पहले आएंगे, जब हमारा मशाल यहाँ तक पहुँचा जलने लगे यहाँ तक, उसके बाद हम इस लेयर को उठाएंगे, थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे ताकि यहीं से स्टार्ट हो। स्केल पे आएंगे, 0% करेंगे स्केल से, थोड़ा सा आगे आएंगे विदिन आधा सेकेंड कर देंगे 100%, फिर थोड़ा सा आएंगे फिर इसको करेंगे 30%, उसके बाद दोबारा आएंगे थोड़ा सा आगे, अगर अभी स्केल पर जाएँ तो हम आधे सेकेंड इसके आसपास निकल वो चल रहे, उसके बाद 100%। तो आप देखिए कुछ इस तरह से आएंगे, बीच आया बड़ा हुआ छोटा हुआ, फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बड़ा होगा 100% में, फिर यहाँ 130%, फिर बड़ा, फिर उसके बाद ही फिर दोबारा से 130% हो जाए, तो दैट ये देखने में लगेगा कि ब्लिंक होके बड़ा होगा। तो मैं सबको सेलेक्ट करूँगा, एफ एन प्रेस कर लूँगा। अब हम इसको एक बार दोबारा से पूरे को देख लेते हैं, सन आया, राइट लेफ्ट बॉटम लो बीच पार्टी, तो ये देखिए ये हमारा कंप्लीट है ऑलमोस्ट। उसके बाद हम इसे 12 सेकंड पर आएंगे, ये जो ड्रैग करके यहाँ कर देंगे तो ये उसी टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें मैं एक एनिमेशन एक म्यूज़िक डाल देंगे, म्यूज़िक ऑलरेडी मैंने ले रखा है बेल साउंड से, ये साउंड अगर हम इफेक्ट डाल देंगे तो अगर इसको डालते ही देखिए कितना अच्छा लगेगा देखने में। सो देखा आपने कितनी आसानी से हमने क्रिएट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको रेंडर निकाल देंगे। फाइल में जाइए, एक्सपोर्ट में जाइए, एड टू मीडिया इनकोडर पे जाइए, ये आ गया आपका, यहाँ पे आइए, इसको जहाँ आपको सेव करना है यहाँ पे सेव कर दीजिए, और ये जो ग्रीन है इसको कर दीजिए, रेंडर निकल जाएगा। ये आपका रेंडर निकल गया, रेंडर निकलने के बाद देखिए किस तरीके से दिखेगा। तो गाइस देखा आपने मैंने कितने बेसिक तरीके से आपको बेसिक एनिमेशन करके कितना अच्छा एक आपका सोशल पोस्ट बना दिया, एनिमेटेड पोस्ट, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।